इन वेस्ट कोकोनट शेल से बनाओ इतने सुंदर प्लांटर, वो भी केवल 10 मिनट में। जिसके लिए इन शेल पर हमें सबसे पहले सैंडिंग करनी होगी, जिसके लिए हम कोई भी सैंड पेपर यूज कर सकते हैं और सैंडिंग को कर सकते हैं। इन पर सैंडिंग करना काफी जरूरी है, क्योंकि सैंडिंग से ही हम इसके ऊपर लगे डस्ट को हटा सकते हैं और इसके सरफेस को स्मूथ बना सकते हैं। जिसके लिए हम सभी शेल्स पर अच्छे से सैंडिंग करेंगे, जो सैंडिंग के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेंगे। अब कोई भी दो पीस को लेकर फेविक्विक की हेल्प से उन्हें अटैच करेंगे। ये अटैच करने वाला पार्ट काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम इसे अच्छे से अटैच करेंगे। ऐसे ही करके हम अगले को अटैच करेंगे और फिर तीसरे वाले को भी कुछ इस तरीके से ही अटैच कर लेंगे। इनको अटैच करने के लिए हमने यहाँ पर फेविक्विक यूज किया है, तो आप भी फेविक्विक को ही यूज करना। अब इसके बाद हम एमसील को लेंगे, जिसे कुछ इस तरीके से इनके जॉइंट्स पर लगाएंगे। इस एमसील को लगाने से इसका जॉइंट काफी ज्यादा मजबूत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एमसील से एक बेस क्रिएट हो जाएगा और दोनों पार्ट को आपस में चिपका के रखेगा, जिससे ये जॉइंट और ज्यादा सिक्योर हो जाएगा और इनके अलग होने से इनको रोक देगा। ऐसे करके हम तीनों पर एमसील को लगा देंगे और फिर एक वाइट पेंसिल से इनके ऊपर कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। इस पैटर्न के जरिए हम इसके ऊपर आंख नाक मुंह बना लेंगे और इन पर अब ब्राउन कलर को करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक्रेलिक कलर को यूज कर रहे हैं, आप इसके लिए कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, चाहे वो ऑयल बेस हो या वाटर बेस हो, दोनों तरह के कलर आप इस पे इजीली कर सकते हैं। तो जब तक हम इस पर कलर कर रहे हैं, तब तक आप जल्दी से वीडियो को अभी लाइक कर देना और अभी तक हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो भी कर लेना। कलर करते समय हम याद रखेंगे कलर हमारा ज्यादा पतला ना हो, क्योंकि अगर कलर पतला होगा तो वो इसके ऊपर चढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। इसलिए थोड़े से थिक कलर को ही हम इस पे अप्लाई करेंगे और पूरे एरिया को अच्छे से कवर करेंगे। और सबसे पहले हम इस ब्राउन कलर को ही करेंगे, इसके बाद ही हम और कलर्स को भी करेंगे, पर उससे पहले इस कलर के होने के बाद इसको हम ड्राई होने छोड़ देंगे। ऐसे करके हम तीनों मॉडल पर कलर कर लेंगे और इनके ड्राई होने के बाद इनके ऊपर येलो कलर करना स्टार्ट करेंगे। ये कलर हम केवल सिलेक्टेड पार्ट में ही करने वाले हैं, तो आप भी ये याद रखना कि किस पार्ट में हमें ये कलर को करना है। इस कलर को बनाने में हमने येलो में थोड़ा सा ब्राउन मिलाया है और ये कलर बन गया है। इस कलर को हम केवल दो जगह ही अप्लाई करेंगे। ऐसे करके हम ये तीनों मॉडल में कलर को फिल कर लेंगे। इसको करते समय ध्यान रखना कि ये कलर हमारे इस एरिया से बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि अगर आपका कलर थोड़ा सा भी बाहर जाएगा तो वो काफी ज्यादा बुरा लगने वाला है। इसलिए बड़े ही आराम से हम इस कलर को अच्छे से फिल करेंगे और तीनों मॉडल में कलर को फिल कर देंगे। इसके बाद एक व्हाइट पेपर पर कुछ इस तरीके से डिजाइन को कट कर लेंगे और उनके आउटर साइड पर कुछ इस तरीके से ब्राउन कलर को फिल कर देंगे। ऐसा हम एक एक करके सभी कटिंग्स पर अप्लाई कर देंगे। आपको बता दूं, इन कटिंग से हम इस मॉडल के कान को बनाएंगे। इसके लिए हम इन पर ये ब्राउन कलर का शेड दे रहे हैं, जिससे ये रियलिस्टिक ईयर का लुक देने वाला है। और फिर इन सभी पे कलर करने के बाद हम इसे मॉडल पर कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट करने के लिए हम नॉर्मल फेविकॉल का यूज कर रहे हैं, आप फेविकॉल या किसी और चीज से भी इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे करके हम इन कानों को तीनों मॉडल पर अच्छी तरीके से पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम व्हाइट कलर से इसके ऊपर आईज को बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट हमारा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके जरिए हमारे इसके फीचर हाईलाइट होने वाले हैं और इस कलर को भी हमें काफी केयरफुली फिल करना होगा। यहाँ पर भी हम नॉर्मल व्हाइट कलर का यूज कर रहे हैं, जिसे हम बड़े ही आसानी से पूरे में अच्छी तरीके से फिल कर देंगे। ऐसा करके हम तीनों मॉडल में ये व्हाइट कलर कर देंगे। उसके बाद हम एक निडल लेंगे, जिसे अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और फिर गर्म करने के बाद इसके अंदर हम उसे कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे और होल्स को बना लेंगे। हम एक मॉडल में दो होल्स को बनाएंगे। ऐसा करके हम तीनों मॉडल्स में होल्स को बना लेंगे। अब जूट थ्रेड को लेंगे, जिसे इन होल्स में कुछ इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। इसमें इंसर्ट होने के बाद इसके पीछे की तरफ हम एक गांठ लगा देंगे और ऐसे करके नीचे की साइड हैंग कर देंगे। अब एक बड़े जूट थ्रेड को इसकी नेक के ऊपर से राउंड करते हुए आगे की तरफ हम पेस्ट कर देंगे। दरअसल ये थ्रेड एक हम हाथ की तरह शो करने वाले हैं। इसे भी हम फेविकॉल की हेल्प से अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ऐसे करके हम ये सभी पीसेस में कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। अब ब्लैक कलर से इसके अंदर हम फीचर्स को देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये काम आईज से स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए आईज की आउटलाइन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये आउटलाइन काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम आउटलाइन में थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो ये पूरा मॉडल बेकार लगने वाला है। इसलिए बड़े ही आहिस्ता से हम इस आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद मुंह की भी आउटलाइन कुछ इस तरीके से कर लेंगे और फिर अंदर की साइड एक लिप्स की शेप को ड्रॉ कर देंगे। अब आईज को भी कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब जो पार्ट हम कर रहे हैं, बस यही पार्ट इस पूरे मॉडल को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाला है, इसलिए हम इस पार्ट को बहुत ही आराम से पूरा करेंगे। इन आईज को बनाना काफी ज्यादा टफ है, लेकिन अगर हम इन आईज को धीरे धीरे बनाते हैं तो ये अच्छी शेप में बन जाएंगी और बिना किसी प्रॉब्लम के। ऐसे करके हम आईज को कम्प्लीट कर लेंगे और तीनों मॉडल की आईज को कुछ इस तरीके से बना देंगे। अब एक ब्राउन कलर के पेपर की कुछ इस तरीके से कटिंग को कट कर लेंगे, जो हाथ और पैर की शेप में कटिंग किए गए हैं। इन्हें जूट थ्रेड पर कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले इन कटिंग से इनके हाथ बनाएंगे, क्योंकि ये हाथ इन मॉडल्स में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन हाथ के जरिए हम अपने कॉन्सेप्ट को इसमें दिखा सकते हैं। दरअसल आपको बता दूं, ये प्लांटर हम एक कॉन्सेप्ट को लेकर बना रहे हैं, जिसमें इन हाथों का काफी बड़ा रोल है। अब हाथ को पेस्ट करने के बाद इनके पैरों को भी पेस्ट कर देंगे और इसके कलर को फिक्स करने के लिए इसके ऊपर क्लियर वार्निश का एक कोट करना स्टार्ट करेंगे। ये कोट करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके लगने के बाद कलर हमारा वाटरप्रूफ
बन जाता है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और साथ में इसके लगाने के बाद एक अलग ही चमक हमें दिखाई देती है, जिससे हमारा वर्क और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। आप अगर इन मॉडल्स को अपने घर पे बनाने वाले हैं तो इस पार्ट को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये पार्ट तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके वर्क को एनहेंस करने में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पूरे पर क्लियर वार्निश करके इसको ड्राई होने छोड़ देंगे। ये वार्निश हम तीनों मॉडल्स पर कर देंगे। अब एक मंकी के हाथ को लेकर उनकी आंखों पर पेस्ट कर देंगे और एक के हाथों को उसके मुंह पर और एक के हाथों को उसके कान पर पेस्ट कर देंगे। और ऐसे हमारा तीन मंकी का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, जिसका मतलब है बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। अब इनमें प्लांटर्स को लगा देंगे और ऐसे हमारे मंकी प्लांटर्स रेडी हो जाएंगे। तो आपको ये प्लांटर्स कैसे लग रहे हैं कॉमेंट में जरूर बताना, और साथ में कॉमेंट में ये भी बताना कि इस तीन मंकी का कॉन्सेप्ट किस फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है। साथ में इस अच्छे कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक भी जरूर कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।